कैंट थाने की पुलिस ने अवैध असलहों का कारोबार करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और तमंचों के साथ बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक मौत का व्यापार करने वाले गैंग के ये सदस्य बिहार के मुंगेर जिले से असलहों की खेप लाकर प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। हालांकि गैंग के सरगना समेत 2 सदस्य अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। प्रयागराज के कैंट इलाके में पुलिस ने असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम इसमें लगी हुई थी और सुराग रस्सी से रोहित उर्फ डान नाम का आदमी यहाँ पे कैंट क्षेत्र में लोगों ने अपना उसको पकड़ा और पूछताछ और बातचीत के दौरान उसने एक दो जगह जहाँ पे सप्लाई किया हुआ था बताया। फिर उससे इसकी सीरीज खुलती गई। उस सीरीज में हमारी टीम ने ये इतने सारे असलहे जो 7 की तादाद में हैं, जिसमें एक रिवॉल्वर है और 4 पिस्टल, तमंचे सब हैं और कारतूस भी पर्याप्त मात्रा में है, जो 315 बोर और 12 बोर और कुछ दगे हुए कारतूस भी हमको प्राप्त हुए हैं। वांछित हैं, शीघ्र वो भी पकड़े जाएंगे। और कुछ नाम ऐसे जो कारतूस के बारे में आप पूछ रहे हैं, उनके नाम भी हमारे पास हैं और हम इस पर वर्क कर रहे हैं, शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करेंगे।